इसको देखने के लिए ना सब लोग बाहर आ गए थे। हमारे सामने है कार्तिक भाई, ये देखो नाम चरस भाई, इसने सच में चरस बो रखा है। ऐसे और ऐसे घुमाते हो तो वीडियो कट करके ऐसे फ्लिप करते हो ना। ऑल्दो मैं हमेशा यही कहूंगा कि पहले बाइक पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ तब करो, नया भूसा को कभी 140 से ऊपर नहीं चलाना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज 27 सितंबर है और नवरात्रि का टाइम चल रहा है और सुबह के लगभग 6 बज गए हैं और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए। एक्चुअली आज मेरी एक राइड है दिल्ली के लिए, क्योंकि आज एक सुपर बाइक आने वाली है हमारे फैमिली के अंदर, तो उसकी डिलीवरी के लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और लगभग 2 बजे बाइक की डिलीवरी है और मेरे साथ जा रहा है रोहित, और रोहित और मैं यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, वहाँ से फिर हम चलेंगे आगे दिल्ली के लिए। और मैंने अपने बाइक को ना कुछ इस तरीके से रेडी कर रखी है, ओनली टॉप बॉक्स लगा रखा है, पैनियर वगैरह सारे सब निकाल दिए, क्योंकि कुछ लगेज वगैरह तो लेके जाना है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रेडी करके लेके चलते। तो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा है। 2 बजे से पहले मुझे दिल्ली पहुँचना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी, फिर उसके बाद शोरूम में जाना है, और कौन सी वो बाइक है उसको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि कौन सी बाइक आने वाली है। तो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तो चलते भाई यहाँ से आगे दिल्ली के लिए। रोहित के घर पहुँच गया, और अभी रोहित के घर पढ़ते पढ़ते ना मेरा एक कांड हो गया। एक्चुअली ये मैंने माउंट लगाया था और ये माउंट का जो हुक आता है ना वो कहीं गिर गया रास्ते में, तो ये देख भी रहा था मैं, ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। और ना मेरे साथ ऐसे होता है कोई भी ना कभी भी कहीं जाता हूँ ना तो मेरा कोई ना कोई कांड हो जाता है। ये गोप्रो वाला कांड तो बहुत बुरा होता है मेरे साथ, कभी इसका माइक ख़राब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, और अभी ये माउंट का दिक्कत हो गया भाई। मेरे साथ में तो दिक्कत रहती रहती है, कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत बनी जाती है। अब क्या मुझे हेलमेट में यहाँ ऊपर लगा के यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जरा काम है। तो ये ना लड़का भी आ गया, और ये लड़का ना तैयार नहीं होता, बड़े देर करता तैयार होने में। भाई जल्दी कर यार, ये हमेशा लेट करता है। लास्ट टाइम भी जब लद्दाख आए थे तब भी ये लेट कर रहा था, अभी आधे घंटे से इसके घर के बाहर में रुका हुआ था। जैकेट है, जैकेट ला, जैकेट। जैकेट क्या भाई, आधे घंटे से तेरा बाहर वेट कर रहा है यार मैं। चल तो ना अब यहाँ से ना अब हम निकलेंगे। फिलहाल तो चलते यहाँ से, अभी हमारा जो रास्ता रहेगा ना आज का बादपुर से होते हुए टांडा जंगल से मुरादाबाद के लिए, है लेकिन हल्के है बहुत। ये रॉयल एनफील्ड ना बड़े हल्की जैकेट बनाता है, 5000 की जैकेट, और 5000 की जैकेट में कुछ भी नहीं है, बस एक कपड़ा दे दिया और हल्के हल्के गार्ड दे दिए फोम वाले। रॉयल एनफील्ड कुछ अच्छा करो यार, 5000 में अच्छी अच्छी जैकेट आती है, ये मेरी 13000 की जैकेट है और इससे लाख गुना अच्छी है। तब चलते हैं यहाँ से बादशाह वाले रास्ते टांडा होते हुए मुरादाबाद फिर दिल्ली। तो भाई आज ना डिलीवरी होने वाली है बहुत तगड़ी, तो चैनल पे बने रहिए और देखिए। 20-40-50 की स्पीड से चलाता है हाईवे में। अभी मैं चलाऊंगा आराम से। अभी ऐसा है ना, गाड़ी तेरा टी ब्रेक करेंगे, क्योंकि मेरा तो व्रत चल रहा है और नवरात्रि के व्रत के चक्कर से खाना पीना बिल्कुल स्टॉप है, तो फल फ्रूट कहीं पे देखेंगे, फल फ्रूट ले लेंगे, चलते हैं चाय पीते हैं, उसका भी चलते हैं आगे को, क्योंकि डिलीवरी का टाइम ना थोड़ा सा जल्दी हो गया है, पहले 2 बजे का था लेकिन थोड़ा पास हो गया, तो जल्दी से चाय वगैरह पीते फिर चलते हैं आगे को। तो चाय मंगवा दूँ, दो चाय नहीं यार अभी, कहाँ तेरा वेट कर रहा था ना मैं। तो पहले ऑर्डर दिया था कि चाय कुल्लड़ करके, वो दोबारा ऑर्डर दे दिया मैंने, इस बार अच्छी वाली चाय करवा दी, कुल्लड़ वाली करी है। तो भाई चाय पीते हैं, उसका भी चलते जल्दी से आगे को, इतना यार थोड़ा जल्दी बता पड़ेगा। ये वहाँ से तो कह रहे हैं कि धीरे चलाओ, कितनी स्पीड बोल रहे हैं तो 60 की स्पीड, 80 की स्पीड यार, हिमालयन के लिए 80 ठीक है, ये साला 110 को भी आ रहा है, इसको अपने हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। ऐसा है ना, देखो हिमालयन है, हाईवे इतना अच्छा है, एक्सप्रेस वे में गाड़ी नहीं भागी तो कहाँ भागेगी, अब घर के आगे तो भागी ही नहीं।
अब इतना चाहे हुए गाड़ी भगा रहे हैं, मज़ा आ रहा है और स्पीड भी सही रहेगी। तो देखो हाईवे बने इसलिए हैं, हाईवे बने इसलिए ना कि स्पीड से गाड़ी चले, 110 120, और 110 तो नॉर्मल स्पीड रहती है हाईवे में। तो भाई 110 चलेगा ना? ना क्यों, 80 से 85 लाख। अरे हायाबुसा आ रही है भाई, हायाबुसा आ रही है, हायाबुसा 300 भागती है भाई। चाय वगैरह आ गई है, चाय पीते जल्दी से, इसका भी चलते हैं भाई आगे को। और देखो दोनों व्लॉगर्स को चाय आई और चाय के पीछे बढ़ गए, कैमरे पे लगा पड़ा देखो कैमरे सामने, ये भी कैमरे में लगा पड़ा, कॉफी है ऐसे लग रहा है। चलो भाई पीते जल्दी से चाय। तो भाई अभी चाय वगैरह हमने पी ली और यहाँ से बढ़ते हैं आगे को, और जल्दी जल्दी पहुँचते क्योंकि ना हमको ना बहुत लेट हो जाएगा अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे ना। तो क्योंकि देखो दिल्ली का ट्रैफिक तो बहुत खतरनाक होता है, हाईवे में भले हमको जाम ना मिले लेकिन दिल्ली हाईवे पास, दिल्ली अंदर पहुँचेंगे ना तो वहाँ हमको पता है श्योर श्योर जाम मिलेगा, और ये टाइम जाम का होता है। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं दिल्ली, और उसके बाद फिर अपना आज का सेलिब्रेशन तो वही तगड़ा वाला है। तो दिल्ली ना बहुत शानदार होने वाली है, और बहुत बड़े यूट्यूबर वहाँ आने वाले हैं, मतलब जो हमारे मतलब जिनको हम देखा करते थे यूट्यूब के अंदर, और ख्वाही सकते थे कि उन लोगों से मिलना है, तो वो लोग भी आज आ रहे हैं डिलीवरी पर, और वही आज का बाइक का पर्दा उठाएंगे। तो भाई चलते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं आगे को दिल्ली के अंदर। बाइक नहीं है जिसकी डिलीवरी है, और जिसकी डिलीवरी है ना वो अभी बाइक थोड़ा सा होल्ड करा है हमने, जल्दी आपको दिखाएंगे, 2 बजे के बाद डिलीवरी है। तो सामने देखें मेरे क्या है, हायाबुसा। हर एक बाइकर का सपना होता है कि एक बार हायाबुसा तो लेना लेना है। भाई तेरा सपना ही नहीं है हायाबुसा लेने का? पक्का वाला लेना है भाई, इसका भी सपना है और मेरा भी सपना है कि एक ना एक बार तो भैया हायाबुसा लेना है। और आज जो गाड़ी की डिलीवरी है वो भी एक सुपर बाइक है, हो सकता है ये सामने कटाना है या कटाना या फिर हायाबुसा, लेकिन दोनों में से एक सुपर बाइक की आज डिलीवरी है। और किसकी डिलीवरी है वो आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारे एक भैया हैं जो वो बाइक ले रहे हैं, और जो बाइक डलवा रहे हैं ना वाले भैया भी अभी आने वाले हैं, तो जल्दी से आपको मिलाएंगे। और इसके सिनेमैटिक शॉट देखिए भैया, तब तक टाइम बचा था। मैं सोचा कि सुजुकी के शोरूम के जस्ट ऊपर ना सुपर मशीन का शोरूम था, तो भाई यहाँ बहुत सारी सुपर बाइक हैं, CZ 900 और 800 900 900 Z10R, और भाई अल्टीमेट कलेक्शन बाइक का, और वर्सेस भाई सुपर बाइक की क्या कलेक्शन है। तो हमने सोचा कुछ बाइक देख लेते हैं, और रोहित को भी दिला देंगे इस बार में बाइक, कि भाई कोई पसंद आ रही नहीं आ रही है। ये कौन सी है? ये Z900 Z900 मॉडल नंबर है। और भाई ये देखो, ये है मॉन्स्टर बाइक डुकाटी V4, क्या रैप कर रखी है भाई, क्या मॉडिफाई कर रखी है, एक नंबर भाई। ये आपकी BMW GS, ये थोड़ा पुराना मॉडल होगा शायद इसका। और एक हार्ले डेविडसन की बाइक देख ली ये सामने, अगर आप गैस करो कौन सी बाइक हो सकती है, कौन सा मॉडल लग रहा है आपको, कौन सी बाइक हो सकती है भाई। ये है स्ट्रीट 750, और क्या मॉडिफाई कर रखी है यार, सीट चेंज करा रखी है, और ये जो पैनियर सेट कर रखा है ना इसमें, और जो मॉडिफाई है भाई, एक नंबर है भाई, एक नंबर। ये कहीं से कहीं तक आपको स्ट्रीट 750 का लुक दे ही नहीं रही है यार, इतनी प्यारी धांसू बाइक लग रही है यार ये सी। और यहाँ पे हार्ले डेविडसन 883 और 48 बहुत सारी बाइक्स है यार यहाँ। नीचे सुजुकी के शोरूम में तो हम बोर हो गए थे यार, एक ही बाइक देखे हायाबुसा, लेकिन यहाँ भाई एक से एक बाइक रखी हुई है। और कलेक्शन देखिए, और ये आपके 10R की साउंड है, अल्टीमेट साउंड है भाई। डिलीवरी के लिए तो डिलीवरी होने वाली है, तो हम
दूसरा नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज की डिलीवरी कौन से कलर में पाई है और कौन ले रहा है। वो अभी तक अपने सक्सेस रहा था और सामने देखिए रेड 10R, उसमें ना अभी जस्ट नया अभी एग्जॉस्ट लग के आ ही रहा है। और ये भी हमारे काशीपुर के भाई है।